नमस्कार दोस्तों, आज हम बारीकी से समझने वाले हैं कि कैसे एक YouTube चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। यानी कि आज के इस वीडियो पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को रिव्यू में भेज सकते हो ताकि YouTube आपको चैनल को रिव्यू करे, फिर आपके चैनल को मोनेटाइज कर दे। तो चलिए अब देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट। चलिए, आपको अपने कंप्यूटर या फिर फ़ोन पे आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट। तो आपको डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, देन डेस्कटॉप साइट एनेबल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, क्रोम के डेस्कटॉप साइट पे आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है। यूट्यूब स्टूडियो हम यहाँ पे चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो टैब में यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है, यूट्यूब स्टूडियो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। आपके पास कुछ इस टाइप का एक सिंबल मिलेगा, इस टाइप के सिंबल पे आपको क्लिक कर देना है, देन मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आ जाओगे। और दोस्तों आपको जितने भी क्राइटेरियाज हैं उन सबको कंप्लीट करना है, जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और आपके चैनल पे 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। तो देख सकते हो सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट है हमारे, तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का। तो हमें अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 3 गो स्टेप यहाँ पे फिल करना होगा, 3 गो स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो पहला स्टेप हमारा है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपके पास एक यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, यूट्यूब का टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। देन आपको एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो 2 टिक करने का ऑप्शन मिलता है, एक में पहले से नीचे वाले में टिक करा हुआ रहेगा और ऊपर वाले में आपको करना है। फर्स्ट नंबर पे टिक करने के बाद एक्सेप्ट टर्म्स पे आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट टर्म्स पे जैसे क्लिक करते हो उसके बाद दोस्तों जो स्टेप वन आपका है वो मतलब यहाँ पे नॉट स्टार्टेड की जगह यहाँ पे आपके पास डन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पे डन आ जाएगा। देख सकते हो स्टेप वन के बाद यहाँ पे डन का एक ऑप्शन मतलब डन आ चुका है। फिर है हमारा स्टेप टू साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। यहाँ पे आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होगा, तो स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर जैसे करते हो देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, यानी कि दोस्तों क्या आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है। तो अगर आप देन दोस्तों यहाँ पे एक एरो टाइप का मिलता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास 3 गो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे एरो जो होता है ये वाला जो एरो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 गो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, देन है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, देन है आई डोंट नो। तो अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है पहले से, तो आपको नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपको सिलेक्ट कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो देन आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपके पास थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देन यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, तो मतलब कि जो आप जिस अकाउंट को मोनेटाइज करना चाहते हो उसी से आप ये करना मतलब सिलेक्ट करना उसको। तो टेक्निकल उन्नत वाला जो हमने यहाँ पे आईडी बना के रखा है जो जिसको हम अभी मोनेटाइज करने वाले हैं, तो उस पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उस मतलब कि आपको अपना चैनल सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आता है आपके पास ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पे आपको नीचे करना है, देन यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल है, यहाँ पे आपका यूआरएल पहले से मतलब फिल हो जाएगा। देन है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, जो पहला वाला ऑप्शन है यस पे आपको क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों देखो यस पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है ये है आपको सिलेक्ट कंट्री करना होगा, अपना जो कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो हम हैं इंडिया से, तो हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने कंट्री सिलेक्ट कर लिया। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इसको आप पढ़ लेना। देन पढ़ने के बाद आपको दोस्तों एकदम नीचे में आपके पास एक टिक करने को मतलब आता है, टिक करने का ऑप्शन आता है, तो आपको टिक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों हम जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे एकदम देख सकते हो, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। देन यहाँ पे नीचे देन नीचे यहाँ पे देख सकते हो टिक करने का है, यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे टिक पे आपको क्लिक कर देना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, टिक हो जाएगा। देन टिक करने के बाद दोस्तों क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में ब्राउज हो रहा है। ब्राउज होने के बाद आप एक अलग पेज पे चले जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो ब्राउज हो रहा है। देन यहाँ पे देख सकते हो एक अलग पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो कंप्लीटली इसको खुल जाने देते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो देख सकते हो ये खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म टाइप का है, तो यहाँ पे फर्स्ट में देखो अकाउंट टाइप है, तो इसको इंडिविजुअली आपको रहने देना है। तो उसके बाद है नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे देख सकते हो नेम एंड एड्रेस। तो नेम एंड एड्रेस पे आपको मतलब कि थोड़ा सा आपको भरना है कुछ, अपना नेम भरना है, एड्रेस भरना है, पिन कोड भरना है, और अपना जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट सिटी उसको भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम हमारा है टेक्निकल उन्नत, अपने चैनल का ही नाम आपको यहाँ पे भरना है नेम के जगह पे। नेम के बाद है एड्रेस लाइन वन, तो एड्रेस लाइन वन पे आपको दोस्तों अपना घर का एड्रेस भरना है। यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस लाइन वन का ऑप्शन में आपको अपना जो मतलब कि घर का एड्रेस है उसको आपको भरना है एड्रेस लाइन वन पे। देन दोस्तों यहाँ पे हम भर लेते हैं अपना घर का एड्रेस। देन घर का एड्रेस भरने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है एड्रेस लाइन टू का, तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना है, यानी कि फुल एड्रेस आपको अपना भरना है। तो यहाँ पे हम अपना फुल एड्रेस यहाँ पे भर देते हैं। मैं अपना एड्रेस वेड्रेस यहाँ पे ब्लर करके रखा हूँ, क्योंकि प्राइवेसी के लिए यहाँ पे मैंने ब्लर करके रखा है। तो यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस भरना है। फुल एड्रेस जैसे भरते हो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है टाउन या फिर सिटी, तो हम रहते हैं धनबाद में, तो इसलिए धनबाद हमने यहाँ पे लिख दिया। धनबाद के बाद अपना जो पोस्ट कोड है, यहाँ पे पोस्ट कोड मतलब पिन कोड आपको भर देना है। देन है स्टेट, हम हैं झारखंड से, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेट में हमने सिलेक्ट कर लिया है झारखंड। उसके बाद दोस्तों ये मतलब ऑटोमेटिकली लोकेशन के द्वारा मतलब हो गया है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। सिर्फ हमने यहाँ पे एड्रेस लाइन वन और एड्रेस लाइन टू यहाँ पे हमने फिल किया। तो उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रीडायरेक्ट का, तो आपको रीडायरेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो रीडायरेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको क्रोम के द्वारा ही आपको मतलब क्रोम सिलेक्ट कर लेना है। क्रोम सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाता है। आप फिर से मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाओगे और फिर यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेप टू है, स्टेप टू के बगल में यहाँ पे अभी भी लिखा रहा है नॉट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट स्टार्टेड, तो यहाँ पे दोस्तों लोडिंग हो रहा है। थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड फ्यू सेकंड आपको वेट करना है, देन जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा देन स्टेप टू के बाद आपको देखने को मिलेगा इन प्रोग्रेस आपको देखने को मिलता है। वेट यहाँ पे कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है लोडिंग हो रहा है। स्टेप टू जब हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इन प्रोग्रेस के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद वो भी डन हो जाएगा। मेरा लगा था दोस्तों कम से कम 12 घंटा लगा था, उसके बाद जो स्टेप टू है वो कंप्लीट हो गया था, डन हो गया था। और स्टेप थ्री में आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टेप थ्री में यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करेगा, फिर आपके पास एक मेल आ सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। देख सकते हो स्टेप टू के बगल में लिखा रहा है इन प्रोग्रेस। अब मेरा तो जब 12 घंटे बाद मेरा यहाँ पे डन आ गया था,
और यहाँ पे डन आने के बाद स्टेप थ्री आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा स्टेप थ्री। देन यूट्यूब रिव्यू करेगा, देन यूट्यूब डिसाइड करेगा कि आपके चैनल को मतलब मोनेटाइज करना है या फिर नहीं करना है। देन आपके चैनल आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर आप अपने चैनल पर एड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों आपको मैंने 3 स्टेप्स कैसे आपको कंप्लीट करना है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर मैं आपको कमेंट पे ही रिप्लाई दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।